हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। आई होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ SBI क्लर्क 2022 के लिए टू डू लिस्ट। डे थर्ड है आज आपका। जैसे आप सभी को पता कि कंप्लीट 60 डेज का प्लान चलने वाला है आपका। 21st ऑफ जनवरी से स्टार्ट हुआ और ये 23rd ऑफ मार्च तक आपका चलेगा। अब टू डू लिस्ट फॉलो करने में कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि जैसे आप पहले दिन देख रहे होगे कि पहले दिन व्यूज अच्छी खासी थी, फिर सेकेंड डेज व्यूज कम होती जाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये एक ऐसा जोनर है जो कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने की कोशिश कर रहे हो इस टू डू लिस्ट में। तो अभी आपको स्टार्टिंग में डेफिनेटली कुछ बच्चों को बोरिंग लगेगा, कुछ को लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं, बट आप इसको फॉलो करिए, बेझिझक फॉलो करो तो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे 15 दिन 20 दिनों के बाद जब मैं मॉक टेस्ट में शिफ्ट करूंगा आप सभी को, तो डेफिनेटली इसके इम्प्रूवमेंट आपको नजर आने स्टार्ट हो गए होंगे। और आप सबने नोटिस किया होगा कि IBPS PO मेंस जो कि कल आपका पेपर था, सारी की सारी चीजें अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे था। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस थे, डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल कुछ भी नहीं था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे थे। तो इसीलिए बेसिक को स्ट्रांग करना जरूरी है। तो आज आपके साथ जो टू डू लिस्ट लेके आया हूं, स्टार्ट करेंगे फिर से 6 AM to 8 AM। आज मैंने 2 घंटे का टाइम आपको दिया सुबह सुबह। इस 2 घंटे में करना क्या, आप कहीं ना कहीं 1 से लेकर 30 तक का टेबल पिछले 2 दिनों से करते आ रहे हो, तो एक लेवल तक आप कहीं ना कहीं लर्न कर चुके होंगे। 1 से 60 तक का स्क्वायर आपको मैंने क्या बोला था कि 1 से 30 तक आप याद कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक है जहां से आप 1 से लेकर 130 तक ओरली बता सकते हो। फिर 1 से लेकर 30 तक का आपको क्यूब करना है। और एक चीज और, आप लोग वीडियोस जितने भी लर्नर्स देखते हैं ना, तो पूरी पूरी वीडियोस देखा करो। ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा लेके कंप्लीट कर जाओगे, नहीं बनेगा, फिर कहीं ना कहीं बीच में फंस जाओगे। फिर से जो बच्चे 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो कुछ रीजंस की वजह से मिस हो रहा है, तो उनका यही होता है कि एक स्टेज पे आने के बाद उनको लगता है कि वो उनकी तैयारी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा और बूस्ट करने की जरूरत है, तो उनका सिलेक्शन हो गया रहता। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन की, उसी तरीके से जो मैंने आपको पहले बताई है कि रैंडम ले लो। एक नंबर मैंने ले लिया 34 को मल्टीप्लाई करना है 29 से। कैसे करोगे, मुझे मल्टीप्लाई करना है 34 को 30 से मल्टीप्लाई करने का तरीका 34 का 3 गुना कितना होता है 102। तो 1020 तो जाएगा, लेकिन 1020 में से 34 माइनस करने, तो 1020 में से 20 उधर से, तो 1000 14 और कम कर दिया 34 हो जाएगा, तो 986 आपका ये कितना 986 के आसपास की वैल्यू। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सी आपको करना है, या फिर आपको कुछ और भी तरीके ढूंढने। मिसिंग नंबर सीरीज के लॉजिक होप्सो आप लोग सीख रहे होंगे। एक बार 5 दिन 6 दिन सिर्फ लॉजिक को फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्या क्या लॉजिक लग सकता है, कितने टाइप के लॉजिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, मैं कंप्लीट आपको क्वाड्रेटिक करवा चुका हूं। 9 AM to 11 AM पे आपको करना है न्यूज़पेपर। आपका न्यूज़पेपर फिर से इंडियन एक्सप्रेस अभी चूज करो, अभी डायरेक्ट बिगिनर हो तो द हिंदू पे मत जंप करो, क्योंकि फिर चीजें समझने में दिक्कत परेशानी होगी। आपको न्यूज़पेपर से क्या क्या चीजें कलेक्ट करनी है, पहला आपका है करंट अफेयर्स एंड देन वर्ड कलेक्शन। अब जब आप पिछले 2 दिनों से वर्ड कलेक्शन कर रहे हो, तो वर्ड कलेक्शन कहां से कर रहे हो, एडिटोरियल से कर रहे होगे। अब जब आपको जिस भी ऑथर का एडिटोरियल पढ़ा होगा, अगर उसी ऑथर का नेक्स्ट एडिटोरियल भी आप पढ़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको रिपीट होने स्टार्ट हो गए होंगे। अब तो आपको लगने लगा होगा कि आप जो वर्ड सीख रहे हो वो कहीं ना कहीं आप किसी एडिटोरियल में उसको यूज कर पा रहे हो, या फिर कुछ अगर सेम वर्ड आपको एडिटोरियल में मिल रहा है तो आप उसके सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो। और कल जो आपका पेपर था IBPS PO मेंस का, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे थे आपके पास कि एक सेंटेंस गिवन था, उसका आपको बताना था कि इसी से सिमिलर मीनिंग किस डिफरेंट जो फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस थे उसमें उनमें से मैच कर रहे हैं। तो आपको रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल इंक्रीज करनी होगी, वो तभी होगा जब आप ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ोगे। ठीक है, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक टाइम आता है आपका करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए आपको वीडियो फिर से देखनी है अड्डा 247 से आशीष गौतम सर की। इनकी अराउंड मुझे लगता है 25 से 30 क्वेश्चन इनकी PDF से टकराए थे। अब ये नहीं मतलब हर एजुकेटर करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, मैं इनको फॉलो करता था, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि 25 से 30 क्वेश्चन इनकी PDF से मुझे कहीं ना कहीं लगे कि ये आ रहा है। तो आप अगर इनको डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, तो देखो क्या करना है, 1st 6 डेज में आपको फॉलो करना है, 7th डेज में आपको कुछ नया नहीं करना, सारी की सारी चीजों को रिपीट करना है। ठीक है, 2:00 से लेकर 3:30 बजे तक आपका आता है। कल आपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ी थी अंकुश लंबा सर की वीडियो से,
आज आप उसका रिवीजन करोगे, साथ साथ रिवीजन करने में कितना, आधा घंटा, तो जो आपका एक घंटे का टाइम यहाँ पे 30 मिनट आपको रिवीजन में देना है, तो और एक घंटे का टाइम अगले चैप्टर में देना, दैट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। मैं हर चैप्टर को दो दो दिनों करके ले रहा हूँ। क्या पहले दिन आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, अगले दिन आधे घंटे में उसका रिविजन करना है। रिविजन करने के लिए आप क्वेश्चन चूज कर सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। कहीं पे भी आप गूगल पे सर्च करोगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पीडीएफ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 to 5 PM आता है बैंकिंग अवेयरनेस का टाइमिंग। इससे भी इस बार अगर आपने आईयूपीएस पीओ मेंस का पेपर देखा होगा तो अराउंड मुझे लगता है कि 25 से 30 क्वेश्चन, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन के आसपास आपका बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन था। ये मत समझना कि बैंकिंग अवेयरनेस मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक पार्ट, नहीं, फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब जितने भी आपके टर्म्स होते हैं, कुछ अगर किसी बैंक पे अभी लो इम्पोज किया गया आपका पेनल्टी, वो चीजें अगर किसी बैंक ने अपना कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया, वो ये सब फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। तो आपके वहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे थे इस बार, 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे था। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने आपको कल बताया था कि कपिल काटवाल सर की वीडियो देखो, उसमें पहले पूरे टॉपिक को समझो और फिर ये देखो कि सर ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, या फिर आप नंबर ऑफ टॉपिक्स लिखो और आपको 60 दिनों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक पार्ट वाला आप 60 दिन में कर लो, फिर उसकी रिविजन करते रहना, तो 60 दिन के अकॉर्डिंग आपको पूरी की पूरी चीजें बाइफरकेट करनी है। अगर 12 चैप्टर है तो एक चैप्टर पे 4 दिन करके टाइम देना। अगर 20 चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं, टॉपिक आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। कि अगर आप मान लो कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, बैंकिंग इन इंडिया एक अलग टॉपिक है, उसको कवर कर लेंगे, उसी में आप आरबीआई को भी कर लोगे, उसी में आप आरआरबीज को भी कर लोगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बैंकिंग इन इंडिया हिस्ट्री अलग करेंगे, आरबीआई का टॉपिक अलग रखेंगे, आरआरबीज का टॉपिक अलग रखेंगे, एनबीएफसी का टॉपिक अलग रखेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। आप जितने टॉपिक बना रहे हो, एक दिन बैठ के टॉपिक बनाया कल आपने, अब उन टॉपिक्स को बाइफरकेट करो कितने दिनों में, 60 दिनों में, ठीक है। तो यहां से आपको वीडियो भी फॉलो करनी है सर की, या कल से मैं आपको टॉपिक भी लिख के बताऊंगा कि आपको आज ये टॉपिक देखना है, ठीक है। 6 PM to 7 PM आपका टाइम आता है इंग्लिश का, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। फिर से वही बात है कि आपने बाइफरकेट कर लिया 120 रूल, एक दिन में आप 4 रूल 5 रूल को पढ़ो, उस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज्यादा। प्रैक्टिस करने के लिए आप निमिषा मैम की क्लासेस भी अरेंज कर अटेंड कर सकते हो, या फिर उनका पीडीएफ डाउनलोड कर लो लिया करो और वहां से आप क्वेश्चन बना लिया करो। 7:30 to 8 PM आज मैंने करंट अफेयर से पहले वोकैब को रखा, क्यों, कल वोकैब आपका नहीं था, वोकैब रिविजन करना है। वोकैब रिविजन के लिए आपके पास सोर्सेस क्या, विशाल परिहार सर की क्लासेस देख लो। क्यों, विशाल परिहार सर की क्लासेस में मतलब देखने का मतलब क्या कि जो एडिटोरियल की क्लासेस है, आप यहाँ पे एडिटोरियल का वोकैब लिख रहे थे ना, तो आप यहाँ से चेक करो कि आपने किस वोकैब को मिस किया, वो यहाँ पे आपको जो भी देखने को मिले यहाँ से नोट डाउन करो। निमिषा मैम की आपको बुक भी आती है, वहां से आप कर सकते हैं। और नॉर्मन लुइस, देखो ये दोनों, विशाल परिहार सर, निमिषा मैम, यहाँ से आप जो आप एडिटोरियल कर रहे हो वो ट्रेंडिंग वर्ड्स है, और नॉर्मन लुइस कहीं ना कहीं आपको एक वोकैब का बेस देगा। यहाँ पे अच्छी खासी वोकैबुलरी आपको देखने को मिलती है, तो ये एक आपको वोकैब का बेस देगा, ठीक है। 9 PM to 10:30 PM आपको करना है करंट अफेयर्स का क्विज अटेम्प्ट करना है। वही चीजें जो आपने सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ी, 11:30 से 12:30 आपने करंट अफेयर्स का वीडियो देखा, उन्हीं का रिविजन करना है। कहां कहां से, अड्डा 247 ले लो, बायजूस ले लो, या अफेयर्स क्लोड। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, ये बायजूस का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको मुझे लगता है दिन में 25-30 एजुकेटर अपना अलग अलग देते रहते हैं क्वेश्चंस क्विजेस में। किसी के 5 क्वेश्चन होते हैं, किसी के 10 क्वेश्चन, किसी के 15 क्वेश्चन। तो जितने नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन है कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। 10 क्वेश्चन है कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट। क्योंकि अगर आपको करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस के क्विजेस आप लगा रहे हो, आता है तो टेक करोगे, नहीं तो ऐसा तो नहीं है ना कि लॉजिक लगाना स्टार्ट करोगे वहां पे, सिंपल है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग Day 3 का कंप्लीट टू डू लिस्ट। आप एक बार डेफिनेटली फॉलो करो, सभी के सभी लर्नर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी की पूरी चेकलिस्ट चेक देखा करिए, एंड देन आप उसको डेली बेसिस पे स्टार्ट करो। टाइम का चेंज कर सकते हो, ये 6 AM to 8 AM अगर कोई नहीं उठ पा रहा है, अगर 9 बजे उठ रहा है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप लेट नाइट सो रहे होगे, तो उन चीजों को आप आगे की वो शिफ्ट कर लो, ताकि और टाइम ड्यूरेशन कोशिश करना मेंटेन करने की। तो अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जल्दी से जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर पे पहुंच जाएंगे, और फिर कुछ नई चीजें अभी आपको देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस का वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, सेशन लेके आ रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का, कंप्लीट टॉपिक रिलेटेड, कि कौन कौन, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी की सारी वीडियो आपके साथ लेके आ रहा हूँ।
तो चैनल से बने जरूर रहिए, और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अब आपका IBPS PU मेंस भी हो चुका है, तो जो अपकमिंग एग्जाम है वो आपका SBI क्लर्क ही है। IBPS क्लर्क मेंस 25 को कंप्लीट हो जाएगा, बट जिनका नहीं हो पाया प्रीलिम्स उनके लिए पहला एग्जाम SBI क्लर्क है, तो बी फोकस ऑन दैट। आपके साथ हम पूरी जुनून के साथ लगे हुए, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसी एंथुसियाज्म के साथ लगे होंगे कि इस बार क्रैक करना है SBI क्लर्क एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रूक। सी यू देयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।